नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कुछ ट्रेंडी हैंडल्स और बिग साइज के हैंडल में लेके आया हूं। आजकल फर्नीचर बनने के बाद में केवल दो चीजें हमारे सामने नजर आती है और दो ही कन्फ्यूजन ज्यादातर रहते हैं, हाउ टू सेलेक्ट लेमिनेट और हाउ टू सेलेक्ट हार्डवेयर। क्योंकि फर्नीचर का लुक हार्डवेयर और लेमिनेट दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। अंदर रॉ मटेरियल के रूप में आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया वो एक अलग चैप्टर हो गया। तो हम आज लेके चल रहे हैं आपको कैसे फर्नीचर के लिए हैंडल सेलेक्ट करें। चलिए हम देखते हैं। हैंडल सिलेक्शन के लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो कि हमारा जिस शटर पे हमें हैंडल लगाना है उसका लेंथ कितना है। ये बहुत बड़ा मेजर आजकल है। आजकल लगभग 60% लेंथ हैंडल की होनी चाहिए अगर हमें ट्रेंडी करना है। जैसे मान लीजिए आपका 6.5 फिट का शटर है तो आप लगभग 3 फिट 3.5 फिट 4 फिट तक का हैंडल लीजिए तो आपका फर्नीचर मोर देन अच्छा लगेगा। 60% तो मैक्सिमम लेंथ हो गया। और मिनिमम लेंथ हम क्या लेनी चाहिए 6.5 फिट के शटर के लिए? मिनिमम हम रिकमेंड करेंगे कि आप 280 mm का लगभग 12-13 इंच का हैंडल तो कम से कम लीजिए ही लीजिए। इससे कम छोटा हैंडल लेने पे उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद फर्नीचर को इतने बड़े शटर को हम खोलेंगे तो उसमें हमें दिक्कत आएगी। तो कम से कम एक 6.5-6 फिट के शटर में लगभग 18 इंची 12 इंची हैंडल तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करें। क्योंकि मार्केट में हम जाते हैं तो अधिकतर शॉप्स पे बहुत सारी डिज़ाइन अवेलेबल रहती है, हर तरह की रेंज रहती है, हर तरह की क्वालिटी रहती है। तो हमारा कन्फ्यूजन दोबारा बढ़ जाता है कि क्या करें क्या ना करें, सब चीज़ें अच्छी लग रही है। अब सिलेक्शन के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ। सिलेक्शन के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पल्ले की विड्थ कम है, मतलब आपका पल्ला सकड़ा है, तो आप उस पर स्लिम हैंडल काम में लीजिए। इस तरह का स्लिम हैंडल हो गया मतलब उसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना। जैसे आप ये देख रहे हैं चौड़ा हैंडल है, तो अगर आप इसको छोटे पल्ले पे, मान लो 12 इंच के पल्ले चौड़ाई के पल्ले पे या 15 इंच के चौड़ाई के पल्ले पे लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो अगर पल्ला की चौड़ाई कम है तो हम हैंडल भी स्लिम काम में लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पल्ले की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग भी हम साइज का सिलेक्शन करें। हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा पल्ला बड़ा हैंडल काम में लें, हाइट कम है तो थोड़ा छोटा हैंडल काम में लें। उसके बाद आता है तीसरा कि हैंडल का कलर कौन सा लें। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लेमिनेट शीट पर। जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में लाइट वुडन शीट है। अब लाइट वुडन शीट को हम साथ में रख के देखेंगे तो उसमें क्या अच्छा लग रहा है? एक तो ये एंटीक कलर काफ़ी अच्छा लगेगा इसके ऊपर। अगर हम मैट फिनिश में जाएंगे तो वो भी अच्छा लुक देगा, पर सीपी से इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। तो लाइट वुडन शीट पर एंटीक कलर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड कलर मैट फिनिश सेकेंड प्रायोरिटी। उसके बाद जैसे हमारे पास स्टोन कलर की माइका है, अब स्टोन पे हम देखेंगे तो सीपी फिनिश की हैंडल की अपेक्षा ये हमारा ग्रे कलर का जो हैंडल है ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ग्रे कलर के अलावा आजकल रोज गोल्ड कलर भी, या फिर मैं कहूँ गोल्डन कलर, ट्रेंडी में ये गोल्डन कलर भी चल रहा है तो गोल्डन कलर भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से लेमिनेट के कलर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग फिनिश, जैसे हम साइड में देखेंगे रोज गोल्ड, गोल्ड, उसके अलावा मैट ब्लैक, जेट ब्लैक, ग्रे, इस तरह के वेरियस फिनिश आजकल मार्केट में हर हैंडल के साथ उपलब्ध है। कुछ ओवरव्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ हैंडल्स के व्यूज दिखाता हूँ। जैसे आप देखें एक ही हैंडल में हमारे पास मैट फिनिश भी है, सीपी फिनिश भी है, गोल्ड, इसमें रोज गोल्ड फिनिश भी है, इसके बाद एंटिक फिनिश भी, और इवन वुडन फिनिश भी है। तो हर हैंडल के साथ में वेरियस फिनिश मार्केट में आजकल उपलब्ध है। एक अच्छी क्वालिटी का हैंडल ही लेना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ताकि बार बार हैंडल खराब ना हो, उसकी थ्रेड खराब ना हो, इस तरह के हैंडल हमें लेने चाहिए। आजकल जिंक में और एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम बहुत ही ट्रेंडी मटेरियल रॉ मटेरियल के रूप में हैंडल्स के अंदर यूज हो रहा है। एल्यूमिनियम लाइट वेट रहता है, लो कॉस्ट रहता है, नंबर ऑफ डिजाइन इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है, और इसकी स्क्रू की जो थ्रेड है वो भी इजिली खराब नहीं होती है। तो हम एल्यूमिनियम हैंडल्स पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह के ट्रेंडी हैंडल लेके हमारे फर्नीचर का हम बेटर लुक कर सकते हैं। आज के इस हैंडल के आपने जो वीडियो देखा वो आपको कैसा लगा प्लीज़ आपके कमेंट्स हमें बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाएँ, और प्लीज़ आपके व्यूज़ देते रहिए ताकि हमारे वीडियोस को हम उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें। नमस्ते, वंदे मातरम।